हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का सेल्फ केयर में जब भी शरीर के किसी भी हिस्से में खराबी आना शुरू हो जाती है तो हमारा शरीर इसके बारे में अलग अलग तरह से बताने की कोशिश करता है जैसे कि जब भी फेफड़ों में खराबी होती है तो सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है वहीं सीने में दर्द होने से पता चल जाता है कि हमारा दिल खतरे में है ठीक उसी तरह से किडनी खराब होने से पहले मानव शरीर को कुछ संकेत देती है कुछ दिन पहले ही इसके लक्षण दिखने लग जाते हैं हमारे खान पान में गड़बड़ी अंदरूनी चोट किडनी स्टोन को अनदेखा करना शुगर या हाई बीपी की दवाओं या जेनेटिक कारणों से किडनी खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रही हैं जिन्हें कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि जरा सी भी लापरवाही होने पर किडनी पूरी तरह से डैमेज हो सकती है किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति में किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है यदि कोई व्यक्ति किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति में होता है तो इस अवस्था में डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रह जाता है इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको किडनी से संबंधित कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत अलर्ट हो जाएं। तो किडनी खराब होने के लक्षण जानने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं किडनी के बारे में किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है हर व्यक्ति के शरीर में दो किडनी होती है किडनी का काम है शरीर में नमक और पानी का बैलेंस रखना लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना खून में मिनरल्स की सही मात्रा बनाए रखना हार्ट के साथ मिलकर बीपी को कंट्रोल करना लेकिन सबसे मुख्य कार्य किडनी का हमारी बॉडी में ब्लड फिल्ट्रेशन करना यानी कि खून को साफ करना हमारी बॉडी में करीब तीन किस्म के जहर रोजाना बनती हैं यूरिया क्रिएटिनिन और एसिड जैसे नाइट्रोजन युक्त वेस्ट मटीरियल उत्पादों को ब्लड से छानने की जो है वो किडनी की होती है ब्लड को फिल्टर करने के बाद किडनी इसी खून को वापस शरीर में भेज देती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है जहरीले पदार्थ होती हैं उसे हमारे ब्लैडर में भेज देती है जो यूरिन के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकल जाती हैं लेकिन किडनी खराब होने पर किडनी खून में से जहरीले पदार्थों को फिल्टर करना बंद कर देती है जब किडनी की रक्त छानने की क्षमता नष्ट हो जाती है तो ये जहरीले पदार्थ खून में खतरनाक स्तर पर जमा होने लगते हैं जब भारी मात्रा में जहरीले वेस्ट पदार्थ मिलने लगते हैं तो किडनी पूरी तरह से डेमे ज हो जाती है जिससे इंसान को बचा पाना मुश्किल हो जाता है हालांकि यदि किडनी की खराबी का पता शुरुआती समय में लग जाए तो बेहतर चिकित्सा से इसे ठीक किया जा सकता है तो अब आपको बता दें किडनी खराब होने से संबंधित कुछ लक्षणों के बारे में जिससे कि आप इनको पहचान सके और समय रहते अपनी किडनी अपने जीवन को बचा सके तो किडनी खराब होने का सबसे शुरुआती लक्षण है यूरिन प्रॉब्लम किडनी जो भी कचरा निकालती है यूरिन द्वारा ही निकालती है किडनी की समस्या होने पर व्यक्ति को बहुत कम या फिर बहुत ज्यादा बार यूरिन आने की इच्छा महसूस होती है यूरिन की मात्रा बढ़ जाना या फिर एकदम से कम हो जाना दोनों ही स्थिति किडनी खराब होने की निशानी है कुछ लोगों को यूरिन के साथ साथ झाग भी दिखाई दे सकते हैं शरीर से प्रोटीन निकलने के कारण ऐसा होता है इसके अलावा यूरिन के कलर में भी बदलाव देखा जा सकता है इस स्थिति में तुरंत अपनी जांच करवाएं दूसरा लक्षण यदि आपको सुबह या शाम के समय बार बार उल्टी करने का मन करता है जी ही चलाता है भूख लगना बंद हो जाती है कुछ खाने का मन नहीं करता और पेट भरा भरा सा रहता है ये सब लक्षण भी किडनी खराब होने को बढ़ावा देते हैं ब्लड फिल्टर ना होने के कारण आपके शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया खराब होने लगती है और आपको ये सब लक्षण महसूस होते हैं तीसरा लक्षण पैरों में सूजन किडनी शरीर से टॉक्सिन और सोडियम को फिल्टर करती है जब किडनी ठीक से काम करना बंद कर देती है तो शरीर में सोडियम व पानी जमा होने लगता है जिससे कि पैरों में सूजन दिखाई देती है ऐसी कंडीशन को एडिमा कहते हैं पैरों के अलावा ये सूजन चेहरे आंखों के आसपास और हाथों पर भी देखी जा सकती है लक्षण नंबर चार पेट के हिस्से में दर्द होना पेट दर्द होना आम बात है अक्सर गैस एसिडिटी के कारण ऐसा होता है लेकिन दर्द अगर बाई या फिर दाई और हो रहा हो असहनीय हो और लगातार कई दिनों तक बना रहे तो इसे नज़रअंदाज ना करें यह किडनी खराब होने का संकेत भी हो सकता है लक्षण नंबर पाँच चेहरे पर मुहासे और रहसे होना जैसा कि किडनी खराब होने पर जहरीले तत्वों को फिल्टर नहीं कर पाती तो ये जहरीले तत्व खून में मिले रह जाती हैं और टोक्सिन लगातार शरीर के अंदर फैलती जाती हैं जिससे कि धीरे धीरे कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं इसी वजह से आपको खुजली रैसेज देखने को मिलती हैं चेहरे पर मुहासे निकल आती हैं हालांकि ये लक्षण किसी और वजह से भी हो सकते हैं लेकिन बाकी लक्षणों के साथ अगर आपको ऐसा हो रहा है तो तुरंत अपनी जाँच कराएं लक्षण नंबर छः कमजोरी और थकान महसूस होना हर समय कमजोरी और थकान महसूस होना भी किडनी की समस्या के संकेत हैं किडनी खनिजों और पोषक तत्वों का संतुलन बनाए रखती है जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है तो रक्त में खनिजों और पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है जिससे कि आपको कमजोरी और थकान महसूस होती रहती है यहां तक कि थोड़ा चलने फिरने में भी दिक्कत महसूस होती है लक्षण नंबर सात एनीमिया किडनी का एक महत्वपूर्ण कार्य है शरीर में रेड ब्लड सेल्स के निर्माण को व्यवस्थित बनाए रखना दुर्भाग्यवश जब किडनी खराब होने लगती है तो लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल्स में कमी आ जाती है जिसके कारण एनीमिया हो जाता है एनीमिया यानी कि शरीर में खून की कमी एनीमिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिससे कि सांस लेने में असुविधा हो सकती है इससे आपको बार बार उल्टी या फिर चक्कर भी आते रहते हैं इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ यूरिन कम आने से भी हो सकती है यदि की मात्रा कम हो जाती है तो शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है और ऐसे में फेफड़ों में भी पानी जमा हो जाता है तो इस स्थिति में भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है किडनी फेलियर कभी भी अचानक से नहीं होता है सालों की खराब आदतों के कारण एक दिन ऐसा आता है कि हम अपनी किडनी से हाथ धो बैठते हैं हाई ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित लोगों में किडनी खराब होने का जोखिम सबसे ज्यादा रहता है इसलिए ऐसे लोगों को समय समय पर अपनी किडनी की जांच कराते रहना चाहिए इसके अलावा एल्कोहल धूम्रपान भी किडनी को टॉक्सिक बनाता है यूरिन को लंबे समय तक रोक कर रखना जैसी आदत से भी आप किडनी को डैमेज कर सकती हैं इससे किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है इसलिए यूरिन को कभी भी रोके ना अगर आप चाहते हैं आपकी किडनी हमेशा तंदुरुस्त रहे और जीवन में कभी भी आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी ना हो तो शरीर में हो रहे किसी भी बदलाव या फिर दर्द को अनदेखा ना करें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और कारण जानकर इलाज कराएं इसी के साथ वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद